नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मेहित पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एसएससी सीएचएसएल 2019 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में कराया जाएगा। तो अब जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट के लिए इस टाइम पे, वो है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को अच्छे तरीके से भरना, ताकि बेस्ट पोस्ट उन्हें मिल सके। वो कौन सी पोस्ट को पहले रखें, किन पोस्ट को बीच में रखें, किन पोस्ट को लास्ट में रखें, तो ये वो जानना चाहते हैं कि प्रेफरेंस किस तरीके से देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को भरेंगे और किन पोस्ट को आपको पहले रखना है, किन पोस्ट को आपको बाद में रखना है। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आपको सारी चीज़ें वन बाय वन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली हैं। और ये भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे कि 2019 का जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है, वो आप लोग कैसे इसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2019, ये है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। ठीक है, तो ये पूरा जो फॉर्म है, इसको ही आपको बस इसकी फोटोकॉपी निकालनी है, इसका प्रिंट निकालना है, और यहाँ पे जैसे कि रोल नंबर यहाँ पे डालना है, नेम ऑफ कैंडिडेट डालना है, ठीक है, और नीचे आपका सिग्नेचर नेम डेट रहेगा, और यहाँ पे आपका 1 से लेकर के 26 तक दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको अपना प्रेफरेंस डालना है। ठीक है, प्रेफरेंस कैसे भरा जाएगा, जैसे आपने L01 पोस्ट को पहले प्रेफरेंस दिया, आपने पहले नंबर पे आप उसको भरना चाहते हैं, तो यहाँ पे L01 लिखेंगे। उसके बाद मान लेते हैं आप L130 आप लिखना, मतलब अगली पोस्ट देना चाहते हैं, तो दूसरे नंबर पे L13 आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जिस सीक्वेंस में आपका आप पोस्ट डालना चाहते हैं, उस सीक्वेंस में आप 1, 2, 3 डालते चले जाइए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना है। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को भरते टाइम आपको ये भी देखना होगा कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी को भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी इस बार है वो PASA में है, 3500 से ज़्यादा वैकेंसी आपकी PASA में है। तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे आप जैसे अगर दिल्ली से बिलोंग करते हैं, किसी मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको होम स्टेट भी जो है वो ईजिली मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको जो पहला प्रेफरेंस देना है, यहाँ पर DEO की पोस्ट तो है नहीं 2019 में, तो पहला जो प्रेफरेंस आपको देना है वो PASA को ही देना है। ठीक है, सभी स्टूडेंट को पहला जो प्रेफरेंस देना है वो PASA को ही देना है, और उसके बाद जितनी भी जो LDC की पोस्ट हैं उनको आपको प्रेफरेंस में रखना है। इस बार आपका जो LDC की पोस्ट है वो L25 तक ही है, जबकि 2018-2017 में ये L40 तक थी। तो जाहिर सी बात है कुछ को आपस में मिक्स किया गया, तो लगातार कम हो रही हैं, आपको पता है कि वैकेंसीज़ भी कम हो रही हैं लगातार, तो इस वजह से इस बार आपकी जो पोस्ट है टोटल आपको जो प्रेफरेंस है वो 26 देने हैं। ठीक है, और LDC की जो पोस्ट हैं वो कितनी है, मतलब जो प्रेफरेंस है इसके, वो L25 तक ही है। ठीक है, तो किस तरीके से आपका प्रेफरेंस रहेगा, कौन सी पोस्ट को आप बरीता देंगे, देखिए बरीता देने से पहले आप एक बार इनकी जो वैकेंसी हैं उनको आप ज़रूर देख लीजिए कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उसमें वैकेंसी कितनी है। ठीक है, तो पहले स्थान पर मैं रखूँगा L20 को, L20 मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, उसके बाद दूसरे जो नंबर है उस पर मैं रखूँगा L11 को, L11 मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद मैं अगले नंबर पे रखूँगा L05 यानी कि कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, अगले नंबर पे मैं रखना चाहूँगा L04 को यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। ठीक है, उसके बाद जो अगला नंबर है वो है आपका, जो मैं रखना चाहूँगा L25 यानी कि वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट। ठीक है, उसके बाद अगले जो नंबर है उस पर मैं रखना चाहूँगा L01 यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसमें भी बहुत कम काम रहता है, अभी मैं आपको एलेबोरेट करके भी बताऊँगा कि अगर आपको काम बहुत कम करना है, पढ़ना चाहते हैं आगे, तो आपको कौन सी पोस्ट आपके लिए बेटर रहेगी, उसके अलावा होम स्टेट प्रेफरेंस चाहिए तो कौन सी पोस्ट बेटर रहेगी, तो उसके बारे में भी डिटेल में वीडियो आएंगी। ठीक है, तो L01 मैंने आपको बता दिया, उसके बाद मैं रखूँगा L15 को, L15 मतलब आप लोग देख पा रहे होंगे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसे ही हम लोग कहते हैं लावासना। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ
पर्सनल एंड ट्रेनिंग, काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं रखूँगा L03 को, L03 मतलब सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद मैं रखूँगा L12 को, L12 मतलब आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं आप उन्हें डाल दीजिए और बाकी आप प्रेफरेंस अपने हिसाब से भर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। जो बेहतरीन पोस्ट थी वो मैंने आपको बता दी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इसे भी आप चूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छी पोस्ट है। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट से तो मैंने आपको बता ही दिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये भी बेस्ट है, और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये भी अच्छा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सारे जो मिनिस्ट्री हैं वो अच्छे हैं, लेकिन जो बेस्ट थी उन्हें मैंने प्रेफरेंस में रख के बता दिया। बाकी आपको जो वरीयता देनी है वो PSA को पहले प्रेफरेंस पर रखना है, ठीक है। उसके बाद अपनी जो आपकी जो डिमांड है, आप जिस तरीके से चाहते हैं चीज़ों को, उसके हिसाब से अपना प्रेफरेंस बनाइए, ठीक है। लेकिन पहले पोजीशन पे आपको जो पोस्ट रखनी है वो PSA की रखनी, क्योंकि ज़्यादातर जो वैकेंसी है वो उसी में है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये था आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को भरने का बेस्ट तरीका, जो बेस्ट पोस्ट थी। देखो आपको शुरुआत में अच्छी पोस्टें डालनी है, 8-10 पोस्टें आप बेहतरीन जो अपनी हैं उन्हें डाल दीजिए, उसके बाद आप सभी को भर दीजिए, सभी को भरना ज़रूरी है, सभी आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भरिए। बाकी अभी मैं कंप्लीट अलग अलग वीडियो भी डालूंगा कि आप अपनी पसंद के हिसाब से चीज़ों को चुन सकते हैं। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो जो भी बातें मैंने आपके बीच में डिस्कस की आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।